नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 2024 लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद भाजपा सबसे पहले नीतीश को सीएम पद से हटाती, ये उन्हें पता चल गया था। नीतीश को ना तेजस्वी से प्यार है और ना वो आरजेडी के समर्थक हैं। उन्हें बस 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना है। प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पोल खोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को पता था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद भाजपा सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाती और कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। भाजपा की मजबूरी लोकसभा के चुनाव तक है। लोकसभा में भाजपा एक बार जीत कर आ जाती तो उनकी सरकार दिल्ली में बन जाती, फिर उनको बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटा देती। नीतीश कुमार ने अनुमान लगाने के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की व्यवस्था बना ली ताकि 2025 तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। नीतीश कुमार को न तेजस्वी से प्यार है, न कभी वो आरजेडी के समर्थक हो सकते हैं। अपने पूरे जीवन में आगामी चुनाव बिहार की वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से नहीं होंगे। आगामी चुनाव कब होंगे ये नहीं पता, लेकिन बिहार में जो आज की व्यवस्था है उस तर्ज पर नहीं होगा। कौन नेता या दल किधर भागेगा ये कोई नहीं जानता है। आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक हो रहे हैं, अगले चुनाव से पहले आप देखेंगे कि इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा। इसकी झलक आपको दिख भी रही होगी। महागठबंधन को 2015 में हमने बनवाया है तो मैं जानता हूं कि इसको बनाने में क्या समस्या है और इसे चलाने में क्या परेशानी आती है, कितना समय और प्रयास करना पड़ता है। 2015 में 3 दलों का जो महागठबंधन था उसे मैंने ही बनवाया था। आज 7 दलों का महागठबंधन है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में जो महागठबंधन बना था उसमें लालू और नीतीश कुमार कितनी बार मिले थे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनवाया इसको समझने की जरूरत है। मुझे दिल्ली में मिले थे जहां उन्होंने मुझे खुद महागठबंधन बनाने और उसमें शामिल होने के लिए कहा था। वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा। अब कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर है और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छूटे फूटे फ्लोटर सीधे उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है, अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूल चूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा। और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है, ये तो व्यक्तिगत खींच तान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह, एक कि उनको ये इल्म है, था मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को, मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ, तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, उनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक जो सिक्योर हो गया उनकी नजर में, ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं और पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते, ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।